हेलो एवरीवन, दिस इज़ बुशरा यास्मीन और आज हम देखेंगे कि स्पाइसी टोमेटो चटनी कैसे बनती है। मैंने लिए हैं 250 ग्राम टोमेटोज़, यानी कि एक पाव है ये तकरीबन टोमेटो। एक दो जवे इसके अंदर मैंने लहसुन लिए हैं और 5 से 6 अदद ग्रीन चिलीज ली हैं। अब देखते हैं कि इसके अंदर स्पाइसेस कितने डलेंगे और क्या क्या डलेंगे। तो जी यहाँ पे 1 टीस्पून लिए मैंने पाउडर चिली, यानी कि लाल मिर्च पिसी। क्रश चिली ली है 1 टीस्पून। ज़ीरा यानी कि क्यूमन सीड ये लिया है मैंने 1/4, यानी कि 1/4 चम्मचे। और ये हैं बघार के पत्ते, ठीक है, ये हमने सुखा लिए थे, ड्राई कर लिए थे। साबित मिर्च 3 अदद और नमक हसबे ज़ायका। तमाम टोमेटोज को करना ये है कि आपने खाली पैन में या देगची में विदाउट पानी डाले आपने ये चीज़ें डाल देनी है। लहसुन भी क्रश करके डाल देना है आपने, और इसको इसका अपना ख़ुद भी पानी निकलेगा, तो लिहाजा जो है हमने कोई पानी ऐड नहीं करना है। बग़ैर पानी के आपने इसको पकाना है, इसका ख़ुद ही पानी निकलेगा और ये ख़ुद ही जो है वो आराम से जो है वो गल जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने ऐसे ही पकाना है विदाउट पानी डाले, और ऑयल वग़ैरह की भी कोई क्वांटिटी इसके अंदर फ़िलहाल नहीं जाएगी। ऑयल से हम बाद में इसको बघार लगाएंगे, तो फ़िलहाल हमने इसको बिल्कुल गला देना है, और ताकि टोमेटोज जो हैं वो तकरीबन अपना पानी छोड़ दें और अच्छे से गल जाएं। तमाम ये लहसुन वग़ैरह ये सब अच्छे से गल जाएं, तमाम स्पाइसेस आपस में मिक्स हो जाएं। फिर एंड में हमने ये करना है कि हमने इसको बघार दे देनी है। अब हम यहाँ बघार लगाएंगे, और बघारने के लिए हमने घी या तेल जो भी आप ले लें, और उसके अंदर हमने ज़ीरा यानी कि क्यूमिन सीड ये हमने ऐड कर दिया, और साबित मिर्चें हमने ली थी, और साथ में बघार के पत्ते। इन तीन चीज़ों से हम बघार लगाएंगे। तो हमने ये तीनों चीज़ें तेल में डाल दी हैं, और इसको थोड़ा सा इसको ब्राउन होने का इंतज़ार करेंगे और फिर इसको बघार लगा देंगे। चटनी हमारी रेडी हो जाएगी, बहुत अच्छी, बहुत स्पाइसी, और आप इसे दाल चावल के साथ खा सकते हैं, किसी भी रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। बहुत मज़ा देती है, बहुत ज़्यादा जो है वो टेस्टी होती है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी। और आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं, बना के फ्रिज में रख सकते हैं, तो बहुत यानी कि आपको बहुत टाइम सेविंग भी है। तो ये एक्चुअली हमारी अम्मी बनाती हैं, और ये मैं बचपन से खाती आ रही हूँ, तो ये बहुत मुझे पसंद आई है ये, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और इसके अलावा टोमेटो की स्पाइसी चटनी एक इस तरह से बनती है, और एक और दूसरे स्टाइल से भी बनती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह ज़रूर ज़रूर। तो आप मेरे चैनल पर स्टिक रहिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।